दिल्ली में आग की दो घटनाओं से हड़कंप मच गया। कल शाम से लेकर देर रात तक आग की दो अलग अलग घटनाओं से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने की पहली घटना राजधानी के बेहद व्यस्त इलाके सदर बाजार में हुई। यहां झुग्गियों में आग लगने से करीब 5 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। करीब 600 झुग्गियों के जलने की खबर है। घरों में रखे रसोई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग की दूसरी घटना लाल किले के सामने तिब्बती बाजार की है। यहां लगने वाले पटरी बाजार में अचानक 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि पुलिस और फायर विभाग की टीमें दोनों जगह पर आग की घटनाओं को लेकर जांच कर रही हैं। दिल्ली में कल शाम सदर बाजार से आग की लपटें उठने लगी। पहले लगा कि आग छोटी है, लेकिन देखते ही देखते सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गई। राजधानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में रेलवे लाइन के पास बनी झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि करीब 300 मीटर की झुग्गियां चपेट में आ गईं। फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ट्रैफिक ज्यादा होने और गलियां सक्रिय होने की वजह से फायर की टीम को मौके पर पहुंचने में काफी दिक्कतें हुई। करीब 3 घंटे की कश्मकश के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के सदर बाजार में लगी भीषण आग को आखिरकार फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे बाद बड़ी मशक्कत से बुझा दिया है। अब तक लगभग 35 फायर टेंडर्स मौके पर आ चुकी हैं। ये आग इतनी भयानक थी कि लगभग 200 से ज्यादा जो झुग्गियां हैं वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अभी भी देख सकते हैं जो धुआं है आग का वो लगातार निकल रहा है, लेकिन अब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। टोटल हमने 35 गाड़ियां यहां पर भेजी थी। ट्रैफिक जाम था शाम को, तो यहाँ से जो फायर ग्राउंड से जो हमको रिपोर्ट थी कि गाड़ियाँ पहुँचने में देर हो रही है, इसलिए गाड़ियों का टर्नआउट हमने ज़्यादा किया है। अमूमन ऐसी फायर पर हम 20 गाड़ियाँ भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 35 हमको इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ट्रैफिक जाम में काफ़ी था। आग की खबर मिलते ही आला अधिकारियों के साथ DM और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। इस आग में 317 झुग्गियां जलकर राख हो गई और 600 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। आग में कई सिलेंडर फटे जिससे आग फैलती गई और कई इमारतों को खाली कराना पड़ा। सैकड़ों परिवारों का सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। झुग्गी दुकान सारी चीज जल गया, बचने खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा। जो जेब में पड़ा वही है। फोटो तस्वीर की दुकान है, बच्चे उच्चे हैं, बच्चे कहीं तो बच्चे कह रहे हैं चल गया, वो जाने नहीं दे रहे देखने के लिए अंदर। आग से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, लेकिन शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। अंकित यादव और पुनीत शर्मा के साथ अरविंदो बैनर्जी, दिल्ली आज तक। लाल किले के पास तिब्बती बाजार में लगी आग से हड़कंप मच गया। व्यस्त इलाका होने की वजह से फायर ब्रिगेड आसानी से नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। तिब्बती बाजार में हुए इस हादसे पर हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने मौके का जायजा लिया। दिल्ली में चंद घंटे के भीतर ही आग लगने की दो बड़ी वारदातें हो गई हैं। सदर बाजार के बाद देर रात दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में जो तिब्बती मार्केट लगा था गर्म कपड़े बेचने के लिए, वहां पर भी भीषण आग लगी है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो मार्केट थी वो जलकर राख हो गई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो धधकते हुए शोले हैं वो साफ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये आग कितनी ज़्यादा बड़ी है। बताया जा रहा है कि 100 से भी ज़्यादा दुकानें यहाँ पे बनी थी और 3 महीने के लिए यहाँ पे ये जो तिब्बतींस होते हैं वो ये मार्केट लगाते हैं और गर्म कपड़े वो यहाँ से बेचते हैं, लेकिन पूरा का पूरा माल जो है वो उनका यहाँ पे इस आग की भेंट चढ़ गया। और आप देख सकते हैं इस बड़ी आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं फायर के लोग। ये एक तस्वीर देखिए, पूरा का पूरा बाजार, 100 से ज्यादा दुकानें जो हैं वो इस आग की भेंट चढ़ चुके हैं। तकरीबन 14 दमकल की गाड़ियां हैं वो आग बुझाने में लगी हुई हैं। 1:10 पे रात को आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को मिलती है और उसके बाद यहां पे गाड़ियां पहुंचती हैं।